पहली बार मैं आपको जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ ऐसा शायद ही आपने कभी देखा हो। ये देखिए, सुबह 9:30 बजे आयरन करने बैठे, सारे कपड़े कर देगी आज जाने से पहले ऑफिस। सही बोल रहा हूँ? अभी ऐसा नहीं है कि इसने कल धोए हैं, धोए मैंने सारे कपड़े। सॉरी मेरा गला ख़राब है तो ठंडा पानी पी लिया था ना, ठंडा पानी फ्रिज का जो बंद करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल हाँ, तो 15-20 दिन, एक महीना बंद करता हूँ जाकर। उन्होंने क्या बोल दिया, 25 दिन बंद दिए मैंने। ठीक है, तो भाई देख लो, कर्मठ कर्मचारी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। मेरा बैक सीन बेटा, तुम्हारा बिहाइंड द सीन टाइप। हाँ, तो सबको तो मजा आएगा, तेरे को मजा नहीं आएगा। है ना, क्या बोलते हैं उसे, बिहाइंड द सीन। फिर वायरल हो जाएगी। वायरल कर दूं, वायरल करूं। याद के खाने में सैंडविच, इसमें ना मिला रखा है सामान बढ़िया से। दिक्कत ही हो सकती है कि गला और खराब हो जाएगा मेरा। इन द मीनवाइल इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जय शिंदे, इधर देखो। आज मैडम फुल ऑन ब्लैक है। भाई पापा घूम रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है। ये पता नहीं कैसा इसने पोछा लगाया, ऐसे पच पच हो रहा है। आज कुछ नहीं हुआ बेटा, तेरे को टेंशन मत। यूजली बोलते हैं बीच में कटोरी रख दो एक, तो निकलता नहीं, बल्कि हाथ लगा के रुक जाता है। ऐसे कोई वुडन अगर स्टिक रख दो तो ट्राई करूँ। कप्पा जरा कप्पा, एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, ये रखता हूँ, चलो देखते हैं आती है कि नहीं। बंद कर दूंगा जल्दी से। वो ना करिए तो वो रुक गया यार, एक्चुअली थोड़ा सा रुका था। रिस्क वाली बात होती है ना, मुझे साफ करना पड़ता पूरा। ये कोई बात नहीं, ये धोलना पड़ेगा, बीवी को समझाने की जरूरत नहीं है, छिपा दो उसको। ओहो, ग्रेट सक्सेस, आज निकला नहीं। और यार ये करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो है इसका जुगाड़। तो भी आपने देखा ना, दोनों तरफ से आ रहा था लेकिन बीच में रुक गया था। कुछ तो इसका है फंडा करने का। लेट मी ट्राई सम अदर डे। मैडम जाते हुए ऑफिस, बाय। कैंसिल तो करेगा, नीचे बैठा हुआ। सनसेट हो गया और सामने पूजा भी हो रही है। मॉब मैचेस भी चल रहे हैं एंड द ओनली थिंग इज मेरा गला बहुत ख़राब है। उस कारण कर नहीं पाया, बाहर जाना था मुझे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मुझे एक दो फिश लेके आनी है इसके लिए। जो टैंक क्लीन करती है, बेसिकली उनको बोलते हैं सकर फिश, दे क्लीन द, दे ईट द एल्गी। क्योंकि धूप से, अगर आप धूप में रखते हैं ना, हम लोग बेसिकली धूप में रखते हैं ओपन, ताकि जो पौधे इसके आसपास हैं उनको सनलाइट मिलती रहे। बट उसका नुकसान यह है कि जो क्योर में ना काई जम जाती है, और काई कोई मछली नहीं खाती अपार्ट फ्रॉम दैट फिश। और एक होती है झींगा, झींगा रखते हैं बहुत लोग, बिकॉज झींगा टैंक को बिल्कुल क्लीन कर देता है, बिकॉज काई के साथ साथ वो पोटे भी खा जाता है मछलियों की। तो उसको ढूंढता हूँ, झींगे को ढूंढूंगा। यहाँ मिलते नहीं गुड़गांव, गुड़गांव में किसी को पता हो तो बताना ज़रूर। इस चलाया मैंने पूरे दिन पहली बार, क्योंकि भाई ठंड वंड तो नहीं, लेकिन अब जैसे आज है, जैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, ठंड वाला एक माहौल आ रहा है। आप अगर आप लोग लग रहा हो कि लाइट नहीं जल रही, फिर मुझे लोग बोलेंगे लाइट नहीं दे रहे घर में। और एक अगर आपको ऐसा लग रहा हो, मतलब किसी को महसूस हो रहा है कि बार बार ठंड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चाय बनानी पड़ेगी मुझे। लाइक ठंडक है बाहर पूरे दिन, मुझे सुबह से लेके रात हो गई है ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं। मैंने एक बार भी एसी नहीं चलाया और मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगी, अदरवाइज मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, स्वेटिंग मुझे बहुत होती है। तो अब सर चाय बनाऊंगा यार, मेरा चाय इज़ दी प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर मी।
कल्पना ने ना फोन उठाया ना फोन कर रही है भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल बिजी है वो तो, माफ कर देते हैं। बट अदरक नहीं थी यार, तो थोड़ा सा टेस्ट में कम है, लेकिन जो सौंफ मिल गई सौंफ से काफ़ी फ्लेवर आ गया, बट अदरक की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता कभी भी। अरे राम, जरा मुझे देखा जाए टीवी में। तो भैया मैडम पहुंचने वाली हैं और उनको पिक करने जाना है, क्योंकि आधे रास्ते से ज़्यादा उनकी बॉस ने छोड़ दिया उनको। बाकी अंदर आना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पता है कि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मतलब सही भी लगता है यार। अच्छा